दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में कुछ ही देर की बारिश में सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक की रफ्तार पड़ी धीमी। गुरुग्राम में झमाझम बारिश से कई जगह जलभराव, कॉलोनी के साथ साथ हाईवे की सर्विस लाइन पर भी भरा पानी। दिल्ली के गाजीपुर में मेन रोड पर हुआ बड़ा गड्ढा, सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने से बने गड्ढे में समा सकती है छोटी गाड़ियां, ट्रैफिक पुलिस ने रास्ते को ब्लॉक किया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यमुना नदी में बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा की, कहा हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। यूपी के गाजियाबाद में भी बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज। 15 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश का अनुमान, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में लगातार भारी बारिश के चलते बिगड़े हालात, कई इलाकों में पानी भरा। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में स्कूलों को किया गया बंद, कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। राजस्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम भजन लाल ने किया एरियल सर्वे, नुकसान का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बाद उफान पर चिनाब नदी, प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए जारी किया अलर्ट। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर रोकी गई अमरनाथ यात्रा, खराब मौसम के कारण फैसला। शिमला में भरभरा कर गिरी निर्माणाधीन टनल, बड़ा हादसा टला, बाहर खड़े कर्मियों ने भाग कर बचाई अपनी जान। कालका से शिमला निर्माणाधीन फोर लेन पर संजौली में बन रही थी टिटरी टनल, तेज बारिश के चलते पोर्टल पर लैंडस्लाइड होने से हादसा हुआ। मॉनसून सीजन में हिमाचल को 350 करोड़ का नुकसान, मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। हैदराबाद में बारिश के चलते तापमान में गिरावट, लोगों को गर्मी से राहत मिली। मुंबई में भी मौसम सुहाना हुआ, कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मरीन ड्राइव पर बारिश से खुश नजर आए लोग, तस्वीरें कैमरे में की कैद। ओडिशा के भुवनेश्वर में कई हिस्सों में हुई तेज बारिश, लोगों को आने जाने में हुई दिक्कतें। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की मनमानी जारी, दिल्ली सहित 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट।